कितना सैलरी मिलता है आपको? हमारा सैलरी 80। इन भाई साहब का नाम है हनीफ। आप कितने साल से काम कर रहे हो? जो बंदा काम नहीं जानता है वो आके तो काम नहीं कर सकता ना। 2 महीना 1 महीना देखेगा फिर सीख जाएगा। गुड मॉर्निंग, हाई एवरीवन, वेलकम टू बैक अनदर वीडियो। सुबह का वक्त है, अभी मैं जाऊंगा नाश्ता करने के लिए बुफिया में। नाश्ता का दुकान को अरबिक में बोलता है बुफिया। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी से एक लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं बुफिया में, जाके मिलते हैं आप लोगों से। इस होटल में जो लोग काम करता है उनका इंटरव्यू लेंगे। जो भी भाई आना चाहते हो बुफिया का काम के लिए, आप लोगों को कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाएगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। ये मेरा नाश्ता आ गया है, तो पराठा खाएंगे। और यहाँ का बुफिया जो है कुछ इस तरीके का है। बुफिया में ज़्यादातर काम करने वाला इंडिया और बांग्लादेशी होता है। तो यहाँ पे 3 बंदा काम करता है, तीनों बंदा का इंटरव्यू लेंगे। ये बंदा कैसे आया है सऊदी अरब में, कितना पैसा खर्चा हुआ है, यहाँ पे आने के बाद क्या सैलरी मिलता है इन लोगों का, ड्यूटी क्या होता है। भाई साहब आपका नाम बताइए। हमारा नाम रब्बी। रब्बी कहाँ से हो आप? बंगाली। बांग्लादेश। आप कहाँ से हो? बांग्लादेश से। आप भी बांग्लादेश से। कितने साल से सऊदी अरब में काम कर रहे हो? 3 महीने होगा। 3 महीने नए आए हो? नया। कितना पैसा खर्चा हुआ है आपका आने में यहाँ पे? 3,70,000। 3,70,000 खर्चा हुआ है। और सैलरी कितना मिलता है यहाँ? सैलरी 2100 रियाल। 2100। अकामा खर्चा किसका, आपका खुद का है? नहीं, यह कंपनी के। कंपनी का है। और खाना पीना किसका, आपका है या कंपनी? नहीं, कंपनी का। माशाल्लाह। मतलब जो भी बंदा यहाँ पे काम करेगा इन लोगों का 2000 से 2100 रियाल सैलरी होगा। खाना पीना जो है कंपनी का है। रूम किसका है? रूम कंपनी का। रूम भी कंपनी। आप कितने साल से काम कर रहे हो? हम 1 साल। 1 साल से काम कर रहे हो। कितना सैलरी मिलता है आपको? हमारा सैलरी 2100। आपका भी? आपका भी वही खाना पीना सब कंपनी का? खाना पीना सब कंपनी का। और ड्यूटी कितना घंटा? 12-13 घंटा ड्यूटी है। ये पीछे में और एक भाई साहब है, देखिए चाउमीन खा रहा है। तो चाउमीन खाते खाते आप इंटरव्यू दीजिए, ताकि पब्लिक को भी पता चलेगा चाउमीन का टेस्ट क्या है। तो आपका नाम बताइए। हनीफ। इन भाई साहब का नाम है हनीफ। आप कितने साल से काम कर रहे हो? मैं तो आया इधर 1 साल हुआ। 1 साल से काम कर रहे हो। जिस टाइम आप आए थे कितना पैसा खर्चा हुआ था आपका? 6 लाख। 6 लाख खर्चा हुआ है आपका आने पे। लेकिन बांग्लादेश का जो वीजा का प्रोसेस है, इन लोगों का पैसा ज़्यादा खर्चा होता है। अगर कोई इंडिया से आएगा तो यही वीज़ा में आप लोगों का 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा होगा इंडिया का। तो आप लोगों का कौन सा वीज़ा, आज़ाद वीज़ा? आज़ाद। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्ट हो किसी होटल में काम करने के लिए, आप लोग आके होटल में काम कर सकते हो, खुद का भी होटल बना सकते हो। अगर खुद का होटल बनाओगे, खुद का होटल में काम करोगे, तो आप लोग 4,500 से 5,000 रियाल महीने में आराम से कमा सकते हो। जो भी बंदा नया आना चाहता है उन लोगों के लिए कुछ मैसेज है आपके तरफ से? मैसेज है कि जो आना चाहता है मुल्क में काम नहीं, आ जाओ और उधर से टिकट लेने का और विमान में चढ़ के आ जाओ। अच्छा ठीक है। तो जो जो बंदा काम नहीं जानता है वो आके तो काम नहीं कर सकता ना, इसके लिए काम सीखना भी जरूरी है ना। 2 महीना 1 महीना देखेगा फिर सीख जाएगा। मतलब जो भी नया है काम नहीं जानते हो वो लोग भी आके काम कर सकते हो। मतलब यहाँ पे जो भी बंदा है वो लोग आप लोगों को सिखा देगा। 1 महीना 15 दिन में सीख जाएगा इंशाल्लाह। तो जो भी इंफॉर्मेशन देना था ये भाई साहब इंफॉर्मेशन दिया है। अगर आप लोग किसी होटल में काम करने के लिए आना चाहते हो, इंटरेस्ट हो, तो किसी यार दोस्त से भी वीज़ा ले सकते हो, किसी एजेंट से भी वीज़ा लेके यहाँ पे आके काम कर सकते हो। दोस्तों मैंने इन भाई साहबों का फुल इंटरव्यू लिया हूँ। ये तीनों भाई जो है बांग्लादेश का है, बुफिया में काम करता है। बुफिया में काम करने वाला ज़्यादातर बांग्लादेशी और इंडियन होता है। अगर आप लोग इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल किसी भी मुल्क से सऊदी अरब में आके बुफिया में काम करना चाहते हो, तो किसी यार दोस्त से वीज़ा लेके यहाँ पे आइए। यार दोस्त के पास 2 महीना 4 महीना 6 महीना काम करिए और आप लोग काम सीख जाते हो। फिर अगर आप चाहते हो कि अपना बुफिया खोलेंगे, फिर आप अपना कपिल को बोल के अपना बुफिया खोल सकते हो। अगर आपका खुद का बुफिया होगा तो आप महीना में 5-6 हज़ार रियाल आराम से कमाओगे। इसका जो वीज़ा है किसी यार दोस्त से लेने ही बेटर है, क्योंकि एजेंट लोगों के पास ज़्यादातर रेस्टोरेंट का काम होता है। रेस्टोरेंट जो होता है वो बड़ा होता है, बुफिया जो है वो छोटा है। हम लोगों का मुल्क में जिसको नाश्ते का दुकान बोलते हैं, यहाँ पे उसको बोलता है बुफिया। तो इस काम के लिए
जितना भी इन्फॉर्मेशन देना था मैंने इन भाई साहबों का इंटरव्यू लेके आप लोगों को सारे इन्फॉर्मेशन दिया हो। आप लोग अगर इस काम में इंटरेस्ट हो, इस काम के लिए आना चाहते हो तो आ सकते हो। इंडिया से अगर कोई बंदा आएगा तो उसके लिए 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा होगा। अगर कोई भाई बांग्लादेश से आना चाहता है तो उन लोगों का 4.5 से 5 लाख रुपया खर्चा होगा बांग्लादेश का। अगर कोई पाकिस्तान से आना चाहता है उन लोगों का भी 4.5 से 5 लाख रुपया खर्चा होगा पाकिस्तान का। आई होप कि आज का वीडियो में आप लोगों को अच्छा जानकारी मिला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हो शेयर जरूर कीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो करके रखिए। अगर यूट्यूब में देख रहे हो, चैनल में नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाले सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप लोग वीडियो देखते हो मगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ना करके चला जाते हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता है इस चैनल में। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।